गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर विकास कुमार जांगू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। टुडे वी स्टडी अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट। पिछले दो जो अपने टॉपिक थे जिसके अंतर्गत हमने डिजास्टर के बारे में पढ़ा था कि डिजास्टर क्या होती है, एकदम आने वाली कोई भी समस्या होती है, कोई भी आपातकाल जो होता है दैट इज कॉल्ड द डिजास्टर। मैंने आपको ये बताया था डिजास्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। तो अब जो ये आज का जो टॉपिक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हम डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ये आएगा कि किस प्रकार से हम इसको बचा, कुछ डिजास्टर ऐसे होते हैं जिनको हम टाल सकते हैं, कुछ डिजास्टर ऐसे होते हैं जो आते ही हैं पर हम इनमें मानव का और संपदा का कम से कम नुकसान कर सकें। तो टुडे वी स्टडी अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट। द होल एक्टिविटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फोर फेजेस। दिस इज द कॉल्ड द फोर फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले दो वीडियो के अंदर मैंने आपको डिजास्टर के बारे में बताया था कि एक डिजास्टर जो होती है नेचुरल होती है, एक डिजास्टर जो होती है वो मैन मेड डिजास्टर होती है। इस वीडियो के अंदर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम डिजास्टर से बच सकते हैं या किस प्रकार से हम इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे कि डिजास्टर के द्वारा जो होने वाला लॉस है या डिजास्टर के द्वारा जो होने वाली हानि है वो कम से कम हो सके। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किस प्रकार से हम डिजास्टर से बच सकते हैं या इसको किस प्रकार से हम इससे होने वाली हानि को कम से कम कर सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है उसको हम चार फेज में या चार ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वो दैट इज कॉल्ड द फोर फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये चार फेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द मिटिगेशन, सेकेंड इज द प्रिपेयर्डनेस, थर्ड इज द रिस्पॉन्स एंड फोर इज द रिकवरी। दिस स्लाइड शो द फोर फेजेस और स्टेज साइकिल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट के चार फेज हैं ये एक साइकिल की तरह फंक्शन करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है रोकना या कम करना। उसके बाद आता है प्रीपेडनेस, प्रीपेडनेस का मतलब होता है तैयारी या तत्परता। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। और फोर्थ पे आता है रिकवरी, रिकवरी मतलब सुधार। तो ये जो चारों के चारों फेज होते हैं स्टेज इसके डिजास्टर मैनेजमेंट के चारों जो फेज हैं ये एक साइकिल में चलते हैं, उस साइकिल को हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो इसमें सबसे पहले आएगा मिटिगेशन, फिर आएगा प्रिपेयर्डनेस, फिर आएगा रिस्पॉन्स और फिर आएगी रिकवरी। नाउ वी स्टडी अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल एंड द फर्स्ट फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इज द मिटिगेशन, द मेजर्स बिफोर डिजास्टर। इन मिटिगेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग सस्टेंड एक्शन टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉन्ग टर्म कॉज इम्पैक्ट एंड कंसिक्वेंस लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी ऑफ ए डिजास्टर। दीज सस्टेंड एक्शन आर ऑल्सो नोन एज मिटिगेशंस। कि ये जो मिटिगेशन है इसका मतलब होता है रोकना या कम करना। ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का सबसे पहला जो फेज है दैट इज कॉल्ड द मिटिगेशन। इसमें ऐसे उपाय, क्रियाओं या योजनाओं को शामिल किया जाता है जो भविष्य में आने वाली आपदाओं के नुकसान, चाहे वह संपत्ति का नुकसान हो, चाहे वह मानव जीवन का नुकसान हो, उसे रोकने में या कम करने में हमारी मदद करता है। इट इज द इनिशियल फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड शुड बी कंसिडर्ड बिफोर ए डिजास्टर अकर्स। ये जो मिटिगेशन का फेज होता है ये साइकिल का फर्स्ट फेज है और जिसमें जिस डिजास्टर के होने वाले नुकसान को मिटिगेट किया जाता है या रोका जाता है या रोकने के कम किया जाता है कि क्रियाएं की जाती है। तो ये जो फेज है मिटिगेशन फेज ये डिजास्टर आने से बहुत पहले ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। द मिटिगेशन
is a long and continuing activity that is integrated with each other of the other phase of disaster, that is the preparedness, response and recovery of disaster management. जो mitigation होता है ये पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये डिजास्टर आने से बहुत पहले ही इसकी क्रियाएं हैं जो वो स्टार्ट हो जाती है. मिटिगेशन एक लंबी व निरंतर चलने वाली योजना है जो आपदा प्रबंधन की बाकी जो योजनाएं हैं जैसे कि प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स या रिकवरी, इनके साथ जुड़ी रहती है. जो मिटिगेशन जो होता है, जो इसका जो मेन गोल होता है, दो मुख्य इसके गोल होते हैं. फर्स्ट इज द प्रोटेक्ट पीपल एंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द डिजास्टर, कि आपदा के दौरान होने वाले मानव जीवन का या संपत्ति का या किसी स्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है उसकी सुरक्षा की जाती है. और दूसरा जो उसका मुख्य गोल है, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिस्पॉन्स और रिकवरी, कि मान लो अगर एक बार आपदा आ भी गई तो हम उसको बहुत पहले ये उपाय करें कि जो हम रिस्पॉन्स और रिकवरी के अंदर जो प्रतिक्रिया और सुधार में हम जो खर्च करेंगे उसको हम जितना हो सके उसको रिड्यूस किया जाए, उस खर्च को कम किया जाए. तो मिटिगेशन जो होता है वो किसी आपदा आने से बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाता है. इसके दो मुख्य गोल होते हैं. एक तो ये होता है कि आपदा के दौरान कितने की जो नुकसान होगा मानव जीवन का या स्ट्रक्चर का या संपदा का, उसको कितना से कितना कम किया जा सकते. और दूसरा इसका जो मुख्य गोल है वो है कि जो मान लो एक बार आपदा आ भी गई तो उसके लिए जो प्रतिक्रियाएं होगा, जो रिस्पॉन्स होगा या जो रिकवरी हम करेंगे आपदा के अंदर, उसमें कितनी कॉस्ट लगती है, उस कॉस्ट को भी हम कम किया जाए. यानी कि मिटिगेशन के अंदर किसी भी समुदाय या किसी भी स्थान पर आने वाली आपदा, हमें पता है आपदा आएगी तो उस आपदा को आने के बाद या उसमें कितना हम मानव जीवन को बचा सकें, कितना हम वो कॉस्ट है उसको कम कर सकें, इसका बहुत पहले से ही ये क्रियाएं शुरू हो जाती है. द मिटिगेशंस इंक्लूड फ्लोइंग एक्टिविटीज, कि मिटिगेशन के अंदर हम नीचे दी हुई जो एक्टिविटी है वो करते हैं. द फर्स्ट इज द वट डिजास्टर कैन अकर इन एंड अराउंड द कम्युनिटी, कि कौन सी ऐसी आपदा है जो इस समुदाय में आने वाली है या उसके चारों ओर आने वाली है. सबसे पहले हम उस आपदा को आइडेंटिफाई करते हैं. सेकेंड इज द लाइकलीहुड टू इट्स अकरेंस, कि वह आपदा आने की कितनी संभावनाएं हैं. तो वो जो संभावना होती है वो देखते हैं कि उस आपदा के आने, उस समुदाय के अंदर उस आपदा के आने की कितनी संभावनाएं हैं. नेक्स्ट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट इन टर्म ऑफ कैजुअल्टी, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विसेज. उसके बाद हम ये देखते हैं, इस बात को जानते हैं कि इस आपदा के आने से कितना नुकसान होगा, चाहे वो नुकसान मानव का हो, चाहे वो नुकसान संपत्ति का हो, कितना नुकसान हो सकता है, हम उस चीज का अंदाजा लगाते हैं इस क्रिया के अंदर, मिटिगेशन की इस क्रिया के अंदर. नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, कि जो हम प्रतिक्रिया देंगे, जो हम रिकवरी करेंगे उस आपदा में, उसके अंदर हमारे कितनी कॉस्ट लग सकती है, कितना हमारा पैसा लग सकता है, वो सारा हम इसके अंतर्गत देखेंगे. जो नेक्स्ट क्रिया होती है मिटिगेशन के अंदर, दैट इज द चेंज इन लोकल बिल्डिंग कोड, कि जो उस एरिया की जो बिल्डिंग कोड है उसको हम इस प्रकार से चेंज करेंगे कि जिससे आने वाली आपदा से कम नुकसान हो सके. जैसे कि जहां पे भूकंप आते हैं उस स्थान पर ऐसी बिल्डिंग बनाई जाती है जो कि भूकंप आने के बाद कम से कम कैजुअल्टी करे. अगर मान लो कहीं पे बाढ़ आती है तो बाढ़ जो आती है वहां पे ऐसी बिल्डिंग बनाई जाती है जो कि बाढ़ आने के बाद में उनका कम से कम नुकसान हो. नेक्स्ट इज द रिवाइज्ड जोनिंग एंड लैंड यूज मैनेजमेंट, कि भूमि और भूमि उपयोग के उचित प्रबंध का हम इसमें शामिल करते हैं, कि किस प्रकार से जो भूमि और भूमि का जो उपयोग है उसका उचित प्रबंध किया जा सके.
नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो रोड्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो स्कूल्स हैं, उनकी किस प्रकार से इस प्रकार से बनाया जा सके, उनको स्ट्रेंथनिंग बना किया जा सके कि आपदा आने के बाद में इनका कम से कम नुकसान हो सके. एंड नेक्स्ट इज द एफर्ट टू मेक कम्युनिटी मोर रिसाइलेंट टू डिजास्टर इवेंट्स. सो उस समुदाय को जहां पे आपदा आने वाली है उसको आपदा आने के लिए पूर्ण रूप से तैयार करना इस क्रिया के अंतर्गत होता है. तो ये जो सभी क्रियाएं जो होती हैं ये मिटिगेशन के अंतर्गत आती है. मिटिगेशन जो होता है ये आपदा प्रबंधन साइकिल का फर्स्ट फेज होता है, जो कि आपदा आने से बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम ये अंदाजा लगाते हैं कि किस प्रकार की आपदा इस समुदाय के अंदर आ सकती है और उस आपदा आने के बाद में कितना कॉस्ट उसमें लग सकता है. द सेकेंड फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इज द प्रीपेयर्डनेस और एक्शन बिफोर डिजास्टर. प्रीपेयर्डनेस का मतलब होता है तैयारी या तत्परता, कि जो जब आपदा आती है उससे जब हमें पता चल जाता है कि ये आपदा अब यहां आने वाली है तो हम किस प्रकार का एक्शन करते हैं. एक्शन बिफोर डिजास्टर, कि डिजास्टर से पहले हम क्या क्या एक्शन करते हैं, वो सारे प्रीपेयर्डनेस के अंदर आते हैं. देखो मिटिगेशन के अंदर तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि यहां मिटिगेशन जो कार्य होता है वो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका होता है, पर प्रीपेयर्डनेस का जो कार्य होता है वो जस्ट हमें ये पता चल जाता है कि हाँ अब ये आपदा आएगी तब हम किस प्रकार का एक्शन करते हैं. दिस इज कॉल्ड द प्रीपेयर्डनेस. द प्रीपेयर्डनेस मीन्स रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू मिटिगेट कंप्लीटली अगेंस्ट एनी डिजास्टर. सो वाई टेकिंग सर्टेन एक्शन बिफोर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए डिजास्टर कैन बी रिड्यूस. कि जो जो कि आपदा से पहले की क्रिया है, जो किसी समुदाय को आपदा के दौरान तैयार किया जाता है कि किसी भी आपदा को आने पर हम किस प्रकार करते हैं. मिटिगेशन जो होता है वो किसी भी आपदा को कम करना, मिटिगेशन के द्वारा किसी भी आपदा को कम करना नामुमकिन है. अतः आपदा से पूर्व कुछ तैयारियां करनी होती हैं. उन तैयारियां जो होती है वो सभी प्रीपेयर्डनेस के अंतर्गत आती है. तो प्रीपेयर्डनेस के अंतर कौन कौन से आएंगे, प्लानिंग, प्लान बनाना, ट्रेनिंग देना, एजुकेशनल एक्टिविटी, ये सभी जो है वो प्रीपेयर्डनेस के अंतर्गत आती है. तो कौन कौन सी क्रियाएं होंगी उसमें सबसे फर्स्ट है कि दैट इज डेवलपिंग डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस प्लान टू व्हाट टू डू, वेयर टू डू एंड व्हाट टू कॉल फॉर हेल्प इन डिजास्टर. कि डेवलपिंग डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस प्लान बनाना जिसके अंतर्गत हमें क्या करना है, कहां जाना है और कौन हमारी सहायता कर सकता है, इन सभी का मूल्यांकन करते हैं. प्रीपेयर्डनेस के अंतर्गत जो दूसरा मुख्य जो क्रिया होती है उसमें जो हमने प्लान बनाया है प्रीपेयर्डनेस का, उस प्लान को इमरजेंसी के लिए ड्रिल एंड फुल स्केल एक्सरसाइज की जाती है. कि मान लो कोई आपदा नहीं आपदा आने वाली है, उसको प्रीपेयर्डनेस का जो प्लान बनाया है उसका फुल स्केल एक्सरसाइज की जाती है कि किस प्रकार से अगर एकदम आपदा आ जाए तो हमें किस प्रकार की क्रियाएं करनी है. नेक्स्ट इज द अर्ली वार्निंग सिस्टम. अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब होता है कि आजकल आपने देखा होगा, आपने टीवी पर रेडियो पर ये सब सुना होगा कि जैसे ही कोई साइक्लोन या कुछ कोई एरिया के अंदर आती है तो वो साइक्लोन आता है तो उसका पूरा हमें बहुत 2 या 4 दिन पहले ही हमें पता चल जाता है. आजकल तो ये भी पता चल जाता है कि किस टाइम ये जो है ये समुंदर से इसमें कहां किस तट पर ये टकराएगा, साइक्लोन किस समय टकराएगा ये भी. तो दिस इज वेरी यूजफुल इन दिस टाइम दिस अर्ली वार्निंग सिस्टम. ड्यू टू द अर्ली वार्निंग सिस्टम वी आर प्रिपेयर फॉर द प्लानिंग टू रिड्यूस द कैजुअलिटीज ऑफ ह्यूमंस एंड एक्स्ट्रा. नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाइंग रिसोर्सिस एंड क्रिएटिंग सप्लाई लिस्ट टू आइटम दैट आर यूजफुल डिजास्टर.
कि हमें इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं उन रिसोर्सेज को, उन सप्लाई आइटम्स को जो कि डिजास्टर के समय हमारे लिए जरूरत होती है। जैसे मान लो बाढ़ आई, बाढ़ में हमने वहां से लोगों को हटा के दूसरे स्थान पर दिया, तो उनके लिए हमें शेल्टर चाहिए, योर क्यूज चाहिए, तो उन सभी रिसोर्सेज का हम उनका एक लिस्ट बना लेते हैं, उन आइटम्स की लिस्ट बना लेते हैं जो कि हमारे डिजास्टर के समय हमारे लिए यूजफुल होती है। नेक्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क एरिया एंड डिजाइन फैसिलिटी फॉर, हम उन जगहों का आइडेंटिफिकेशन करते हैं जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क के ऊपर एरियाज होते हैं, क्योंकि जैसे ही आपदा आती है तो सबसे पहले जो फंक्शन कार्य जो करते हैं हम उन हाई रिस्क एरिया के अंदर कर सकें, और हम डिजाइंस करते हैं फैसिलिटीज को जो उस इमरजेंसी के अंदर हमें यूज होती है। तो दिस इज द प्रिपेयर्डनेस, यानी कि मिटिगेशन जो होता है वो बहुत समय पहले क्या होता है, हम तैयारी करते हैं। और प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है कि तत्पर रहना कि ठीक है अब आपदा आई आएगी तो अब हम क्या कर सकते हैं एकदम, दिस इज द कॉल्ड द प्रिपेयर्डनेस। द थर्ड फेज ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इज द रिस्पॉन्स। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो थर्ड स्केल होता है, जो थर्ड फेज होता है, दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है आपदा के दौरान या आपदा के तुरंत बाद के जो कार्य होते हैं वो ऑल इज द इन द रिस्पॉन्स, इस प्रतिक्रिया के अंदर आता है। रिस्पॉन्स में क्या होगा कि मान लो एकदम आपदा आ गई, तब हमें क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या प्रतिक्रियाएं देनी है, वो सारे के सारे जो वर्क्स होते हैं, जो एक्शन होते हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। आपदा के दौरान या आपदा के एन बाद किए जाने वाली क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं होती है वो सभी रिस्पॉन्स के या प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है। ये क्रियाएं कौन कौन सी होती है, फर्स्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लान। जो हमने प्लान बनाया हुआ है डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लान, उसको इम्प्लीमेंट करना कि किस प्रकार से आपदा आ चुकी है और हमें किस प्रकार जो हमारा प्लान बनाया है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं। सेकेंड इज द टेकिंग एक्शन टू प्रोटेक्ट यूअर सेल्फ, यूअर फैमिली, यूअर एनिमल एंड अदर, कि हम सबसे पहले इसके अंतर्गत अपनी, अपने परिवार की, अपने जानवरों की, इनकी सुरक्षा करते हैं, तुरंत उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आपदा आ गई आते ही उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं कि जैसे मान लो बाढ़ आ गई तो बाढ़ आने से तुरंत पहले हम उनको वहां से दूसरी जगह पर शटल कर देते हैं। कंडक्टिव लाइफ सेविंग मिशन लाइक इवैक्यूएशन एंड सर्च एंड रेस्क्यू, कि राहत और बचाव के जितने भी कार्य होते हैं इनको, कार्य को स्टार्ट कर देते हैं, क्रियान्वयन उनका कर देते हैं। प्रोविजन ऑफ रिलोकेशन एंड टेम्पररी शेल्टर्स, कि मान लो उस स्थान पर, चाहे वो भूकंप का स्थान हो, चाहे कोई और बाढ़ की आपदा आ गई हो, तो उस स्थान से उन लोगों को लेकर दूसरे एंड सुरक्षित स्थान टेम्परे पर जाना, दिस इज कॉल्ड द टेम्परेरी शेल्टर। नेक्स्ट प्रोविजन इन द रिस्पॉन्स इज टू प्रोवाइड द फूड एंड वाटर एंड इमरजेंसी केयर ऑफ द रिहैबिलिटेटेड ह्यूमंस, कि जो हमने पुनर्स्थापित किए हैं ह्यूमंस, उनके लिए फूड, वाटर और हेल्थ का, उनके मेडिकल का अच्छा प्रबंध किया जा सके। प्रोवाइड इमरजेंसी असिस्टेंट एंड क्रिटिकल सर्विस टू विक्टिम, कि कोई भी अगर इमरजेंसी है, कोई क्रिटिकल पोजिशन है, तो उनको आसानी से टैकल किया जा सकते। टू कंडक्ट रैपिड सिचुएशन असेसमेंट, कि रैपिड सिचुएशन असेसमेंट हम क्या करते हैं, टू प्रायोरिटी रिस्पॉन्स एक्टिविटी, उन रिस्पॉन्स एक्टिविटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उनको उचित वितरण किया जाना चाहिए। एंड टू प्रोवाइड लाइफ सेविंग एंड लाइफ सस्टेन नीड टू अफेक्टेड पीपल, जो अफेक्टेड पीपल हैं उनके लिए लाइफ सेविंग और लाइफ सस्टेनिंग नीड है वो उनको प्रोवाइड किया जाए। तो दीज आर द रिस्पॉन्स, कि जो आपदा के समय और आपदा के तुरंत बाद होने वाले जितने भी क्रियाएं हैं ये दैट आर इंक्लूडेड इन टू द दिस फेज। एंड द लास्ट फेज ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इज द रिकवरी।
आफ्टर डिजास्टर, एक बार डिजास्टर आपदा आने के बाद में हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सभी जो है वो रिकवरी के अंतर्गत आता है। रिकवरी के अंतर्गत जो समुदाय आपदा में पुनर्स्थापित और कहीं विस्थापित हो गया था, उस समुदाय को पुनर्स्थापित किया जाता है। इन रिकवरी टू रिटर्न द कम्युनिटी सिस्टम एंड एक्टिविटी बाय रीबिल्डिंग एंड रिस्टोरेशन एफर्ट बियॉन्ड द प्रोविजन टू इमीडिएट रिलीफ, लाइक कि हम उनमें क्या करते हैं कि उनको जो विस्थापित हैं उनको पुनः अपने समुदाय को उसी स्थान पर पुनर्विस्थापित किया जाता है, जिसके लिए इस रिकवरी के अंदर क्या किया जाता है, रिहैबिटलाइजेशन की पुनर्विस्थापन करना, कि मान लो बाढ़ आने के बाद में जो वहां के लोग थे वो वहां चले गए दूसरी जगह, फिर बाढ़ का पानी जैसे जैसे उतरा तो उनके घरों को मरम्मत करके उनको बिल्कुल तैयार करके वापिस उनको पुनः वहां पर बिठाना, दैट इज इंक्लूड इन द रिहैबिटलेशन, रीबिल्डिंग डिमेज स्ट्रक्चर, उनके जो घरों की बिल्डिंग डिमेज हुई है उनको बिल्कुल सही करना, उनको तैयार करना, प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, के जो बीमारियां आ गई है लोगों में, जो स्ट्रेस आ गया है लोग हैं उन जो स्ट्रेस आ गया है उसको कम करना, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू पीपल, लोगों को आर्थिक मदद देना, जो सरकार देती है कि उनको आर्थिक मदद दें ताकि वो दोबारा अपने पैरों पर स्टैंड कर सकें, एंड डेवलप टू प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी एंड टू अवॉइड और मिलीगेटिंग सिमिलर सिचुएशन इन फ्यूचर, कि इस तरह की प्रैक्टिस पॉलिसी बनाना कि जो आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की आपदा से जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को मिनिमम कर सके, कम कर सके। तो इस तरह आज हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। डिजास्टर मैनेजमेंट में यह होता है, मैंने आपको फिर एक बार इनको बता देता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि डिजास्टर को कम करने के लिए या रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो आज हमने उसके डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को पढ़ा है। इस साइकिल के चार फेज होते हैं। फर्स्ट फेज इज द मिटिगेशन, सेकेंड इज द प्रीपेडनेस, थर्ड इज द रिस्पॉन्स, एंड लास्ट जो फेज होता है वो है रिकवरी। कि सबसे पहले हम मिटिगेशन करते हैं, मिटिगेट मीन्स रोकना, क्या करना, रोकना, कि हम कोई भी समुदाय है वहां पे इस प्रकार से कि यहां फ्यूचर में क्या यहां आपदाएं आ सकती हैं, इसके लिए हम किस प्रकार से लोगों को तैयार कर सकते हैं, वो सारा का सारा मिटिगेशन में आता है ताकि आने वाले समय में उस आपदा को रोका जा सके। प्रीपेडनेस का मतलब होता है कि जब हमें पता चल जाता है कि हाँ अब इतने दिनों के बाद यहां आपदा आएगी, क्योंकि आजकल ये इस तरह की टेक्निक्स आ गई है कि हमें पता चलता है, जैसे ये अब साइक्लोन है वो इतने दिन के बाद आएगा साइक्लोन, तो इसके लिए हम क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, प्लान बनाते हैं, ये सारा का सारा प्रीपेडनेस के अंदर आ जाता है। थर्ड आता है रिस्पॉन्स, की आपदा आने के समय और उसके तुरंत एंड तुरंत बाद हमने क्या प्रतिक्रिया दी है, वो सारी की सारी किसके अंदर आती है, रिस्पॉन्स के अंदर आती है। लास्ट में आती है रिकवरी। रिकवरी मीन्स कि जो हम लोग वहां से विस्थापित हो गए थे, मान लो कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो वहां लोगों को पुनः बसाना और उनको आर्थिक मदद देना, उनके मकानों को डैमेज स्ट्रक्चर सही करना, उनको रिहैबिलिटेशन करना, पुनर्विस्थापित करना, उनमें जो इलनेस है उनको रिड्यूस करना, उन सबको कम करना, और उस तरह की योजनाएं बनाना कि आने वाले समय में अगर कोई अगर ऐसी आपदा आ जाए तो भी हम ये कम से कम कर सकें। तो आज हमने आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ा। तो इस तरह ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपदा प्रबंधन क्या है या आपदा प्रबंधन साइकिल क्या है और इसके विभिन्न फेज जो हैं उनका विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये जो चार फेज है इनमें कई बार शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मिटिगेशन का आ गया, प्रीपेडनेस का आ गया, रिकवरी का आ गया। तो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।